कहते हैं कि गुनाह कोई भी हो, समाज के लिए घातक ही होता है, फिर चाहे वो चोरी डकैती या फिर लूट हत्या जैसी वारदात हो या फिर किसी की सेहत से खिलवाड़ करने वाली वारदात हो। इस बार क्रिकेट सट्टे के खुलासे के अलावा अजमेर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें कुछ शातिर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की चुगत में लगे थे। पुलिस का दिन काफ़ी अच्छा है क्योंकि दरगाह क्षेत्र में जहां 15 से 20 करोड़ का यहां पर क्रिकेट सट्टा पकड़ा गया है, वहां पर आज गंज थाना क्षेत्र में पड़ने वाले नागफणी इलाके में यहां पर नकली घी का फैक्ट्री यहां पर पकड़ी है। यहां पर मिठाइयां बनाई जाती थी, यहां पर जो पूरा जो सामान है यहाँ पर बरामद किया है पुलिस ने। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आरोपी हैं उनको यहाँ पर जो है पकड़ा है पुलिस ने। इसके ये जो नकली मावे से मिठाइयाँ बनाई जाती थी, कई दूसरे जिलों में भी ये मिठाइयाँ यहाँ से पहुँचती थी। हम इस जुर्म की दास्ता को आगे बढ़ाएं, इससे पहले चरा इन तस्वीरों को देख लें। जी हाँ, यहाँ इस दूध से मावा बनाए जाने का जुगाड़ चल रहा है, लेकिन जनाब यहाँ तैयार होने वाला ये वो मावा नहीं जो आप समझ रहे हैं। यहाँ तो जो मावा बनाया जा रहा है वो आपकी जिंदगी से खेलने वाला है, और फिर इसे जहरीला मावा भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। मावा फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में लंबे समय से मिलावटी मावा बनाकर उससे मिठाई तैयार की जाती थी। खास बात यह कि उस मिलावटी मिठाई को अजमेर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के बाजारों में भी सप्लाई किया जाता रहा है। यहाँ दूध से क्रीम को अलग करके बचे हुए दूध में घातक रसायन और सड़ा हुआ अनाज मिलाकर दूध से मावा तैयार किया जाता था। उसके बाद उसी मिलावटी मावे से मिठाइयाँ तैयार की जाती थी, लेकिन इस बार पुलिस को जब मामले की खबर मिली तो यहाँ रेड डाल दी गई, और फिर जो तस्वीरें सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और 8 से अधिक फैक्ट्री कर्मचारियों को हिरासत में लेकर नकली मावा फैक्ट्री को सीज कर दिया है। थे क्षेत्र थाना गंज, इसमें ये संतोष कुमार शर्मा कोई व्यक्ति हैं। यहाँ ये एक फैक्ट्री चला रहे हैं जिसमें मिठाई बनाई जा रही है, कुछ पाउडर और कुछ मिलावटी चीज़ों को इंग्रेडिएंट के रूप में लेकर के। प्रथम दृष्टा ये बात सामने आई है कि ये एडल्ट्रेटेड मिठाइयाँ हैं जिनको यहाँ से बना करके पैक करके ये लोग दूसरी जगहों पर भेज रहे हैं, ख़ासतौर पर धार्मिक संस्थान और इस तरह के जो प्रसाद के रूप में या मिठाई के रूप में वहाँ से सेल हो रही है। ये कार्रवाई अभी मौके पर इसको प्रिजर्व किया हुआ है। पुलिस ने यहां से बड़ी मात्रा में मावा बनाने के काम में आने वाला दूध और उसमें मिलाए जाने वाले रसायन और सड़ा हुआ अनाज भी बरामद किया है। भारी पुलिस जाब्ते को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ही नहीं बल्कि इलाके के लोगों के लिए भी मिलावटी मावे की सूचना चौंकाने वाली थी। दरअसल पड़ोसी भी मावा और मिठाई यहीं से लिया करते थे। वहीं अजमेर और आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि
दूसरे जिलों में मिलावटी मावे और मिठाई की खेप लंबे समय से यहां से जाती रही है। नकली पाउडर है, उसे नकली मावा तैयार करना, नकली मिठाइयां तैयार करना आदि कार्य किए जा रहे थे। किस तरह की मिलावट इसमें हो रही है? इसमें जैसे नकली मावा है उसे है, फिटकरी वगैरह है, कुछ और भी ऑर्डिनेंस है जो सैंपल के बाद में पता लगेगा इन्होंने और क्या क्या इसमें मिलावटें कर रखी है। तो किसी का कत्ल कर किसी की जान ली जाती है, लेकिन चंद पैसों के लालच में ये शातिर लोगों की जिंदगी से कुछ इस तरह खिलवाड़ करने में जुटे थे कि किसी को खबर भी नहीं हुई। बहरहाल अब कार्रवाई में खाद्य विभाग भी अपनी जांच करेगा और पुलिस भी अपनी फाइल तैयार करने में जुट गई है, लेकिन सवाल ये कि लोगों की जिंदगी से खेलने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये देखना दिलचस्प होगा। इंस्पेक्टर को बुला गया है मौके पर जो यहाँ से सैंपल लेंगे, और इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो है मशीनों से जो है यहाँ पर दूध क्रीम निकाली जाती है और उसके बाद उसको जो जिस तरह से प्रोसेस किया जाता है उसमें मिलावट यहाँ पर की जाती है। इसके बाद इससे इसी जो मावे से है जो विशेष दूध यहाँ पर बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है, उन आरोपियों को यहाँ पर जो है उनसे नाम पते लिए जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूँ कि गंज थाना क्षेत्र में जो नागफणी इलाका है यहाँ पर जो इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं संतोष शर्मा उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस जो फैक्ट्री है यहाँ से जो बरामद जो नमूने हैं उनके जो रिपोर्ट है उसके आने पर बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। कैमरामैन कौशल सेन के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर।